प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज की टीम से इमरापनी हाई गांव पहुंची तो वहां पर लोगों में दहशत माहौल दिखा। जब रिपोर्टर ने जानकारी करना चाहा वहां पर मौजूद व्यक्तियों द्वारा क्या बताया गया, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वहां पर बीच बस्ती में ब्लास्टिंग का कार्य होता है जो कभी भी घातक हो सकता है। अब यह किसके इशारे पर हो रहा है जाँच के बाद पता चलेगा। वहाँ पर मौजूद रीता देवी अनीता राम मीडिया को बताया, जब मीडिया जानकारी लेने पहुंची तो वहाँ पर मौजूद लीज के कर्मचारी मीडिया से भी अपशब्द का प्रयोग करने लगे जो कि इस वीडियो में कैद नहीं हो पाया है। यदि यहाँ पर शासन कोई कार्यवाही नहीं करता है, यदि यहाँ पर कोई मौत हो जाती है ब्लास्टिंग से, इसका जिम्मेदार कौन होगा या किसके इशारे पर बीट बस्ती में ब्लास्टिंग का कार्य हो रहा है? क्या चित्रकूट के अधिकारी किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं? इसमें कार्यवाही यदि नहीं हुई तो ऊपर से नीचे तक की जांच होना अति आवश्यक है। यहाँ पर मौजूद प्रेमचंद्र ने बोला कि मैंने सभी जगह आवेदन लगाया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब हमने प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के बारे में सुना, तब हमने मीडिया को बताया। आखिर ऐसी क्या वजह है? वहाँ पर ठेकेदार प्रेमचंद्र शासन से प्रशासन तक आवेदन दिया, सुनवाई नहीं हुई। कुछ दाल में काला तो नहीं है? यह सच्चाई क्या है जांच के बाद पता ही चलेगा, लेकिन इस पर अंकुश ना लगाया गया निश्चित है। आगे कोई भी अनहोनी हो सकती है। वहाँ पर मौजूद रहे और भी नागरिक जिन्होंने मीडिया को क्या बताया, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ में मौजूद रहे ब्लॉक रिपोर्टर बद्री विशाल, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो विजय गुप्ता, मऊ रिपोर्टर दिनेश द्विवेदी, मीडिया रिपोर्टर जितेंद्र। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ से मऊ ब्यूरो रोहिणी कुमार की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? ये क्या है समस्या? कौन कहाँ भाई? ये अब आप अम्मा आज कैमरे के सामने खुद बोलना चाहेंगे? तो बोलिए ना। मैं दादा आपका दया शंकर। क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि ये अम्बेडकर नगर प्राइमरी स्कूल और ये बारात घर थी, उसको जो है यहाँ से हटा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि वो यहीं पे रहे। और ये ब्लास्टिंग होती है, बालू उड़ता है खाने पीने में हर चीज़ में, तो ये पत्थर उड़ता है, मकान सब फटे जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रेमचंद। क्या मामला है सर? मामला ये है कि जो हमारे ग्राम सभा समरम ये मजरा पनही में पानी टंकी है, यहाँ पर जो अम्बेडकर पार्क बरात घर प्राइमरी पाठशाला, इनकी सर खतौनी, ये देखिए सर अम्बेडकर पार्क की खतौनी है, ये अम्बेडकर पार्क खतौनी है, ये है प्राइमरी पाठशाला। आपने किसे शिकायत किया है? मैंने शिकायत किया सर तहसील दिवस में और यहाँ कर्मी में दिए गए उप जिलाधिकारी को, और यहाँ वहाँ से आपको क्या जवाब मिला? वहाँ सर बोले कि इसको जांच करा कर हम करवाएंगे, तो आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। अच्छा, ये कब से ये ऐसा हो रहा है? ये सब हो रहा है आज साल भर। अब आप क्या चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर प्रेमचंद। ये बताइए कि ये ब्लास्टिक का मेन ठेकेदार कौन है? अच्छा, ये कब से ये ब्लास्टिक कब होता है? ब्लास्टिक कब होता है? तो आप लोग को क्या घबराहट होती है? घबराहट का सर हम लोगों को भागना पड़ता है सर, ये 1 किलोमीटर तक इसको ब्लास्ट जा रहा है। ये कौन गांव है आपका? ये सर है पनिहाई पुरवा है सर। पनिहाई पुरवा है जी। अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं सिर्फ न्याय मिलना चाहिए। किसी से शिकायत किया आपने? शिकायत की सर डीएम साहब को दी, उप जिलाधिकारी को दी। तो वहाँ से आपको क्या जवाब मिला? वो बोले सर कि इसको जांच करवाएंगे, आज तक कोई जांच नहीं। माननीय आनंद उत्तम मंत्री जी को उनको भी दिए, उनका लेटर पेट ये लगा हुआ है सर, दिखा रहा हूँ आपको ये सर, उनका ये लेटर पेट आज तक हमने भी।